एक तरफ पड़ोसी मुल्क चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकी मसूद अजहर पर अड़ंगा लगाकर अपनी चाल चलता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लुभाने में भी लगा हुआ है, या फिर यूं कहें कि जिनपिंग की सरकार मोदी को मनाने में लगी हुई है। आलम यह है कि चीन की तरफ से भारत के लिए दोस्ती भरे पैगाम आ रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, चीन ने एक बार फिर भारत के साथ अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को लेकर ख्वाहिश जाहिर की है। चीन ने कहा है कि वह अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ड्रैगन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकी मसूद अजहर पर बैन लगाने की भारत की कोशिशों पर चीन ने पानी फेर दिया था। चीन ने वीटो लगाते हुए कहा कि प्रतिबंध कमेटी के सदस्यों के बीच इस मसले को लेकर सहमति नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ चीन के इन बयानों में भारत के साथ दोस्ती की प्रतिबद्धता जताई जा रही है, तो वहीं मसूद के मामले में उसका अलग ही राग नजर आता है। ऐसे में देखना बाकी है कि चीन के इन दोस्ती भरे प्रस्तावों पर मोदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है।